अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे। तो अगर आपने पहले से मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहले ही पहुंचती रहे। तो आज हम बात करने वाले हैं कि आप कैसे तस्वीर को कट आउट कर सकते हैं, मतलब कि आप कैसे उसे काट सकते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कट आउट होता क्या है। कट आउट होता है कि कोई तस्वीर होती है उसका पीछे बैकग्राउंड लगा होता है, हम उस तस्वीर को कट आउट कर लेते हैं, बैकग्राउंड को रिमूव कर देते हैं, उसके पीछे कोई वाइट बैकग्राउंड या ब्लैक वाइट बैकग्राउंड लगा देते हैं और उसके ऊपर कोई लिख लेते हैं जैसे कि थंबनेल या पोस्टर बना होता है उसे भी उस पर अपनी तस्वीर लगा सकते हैं कट आउट करके, या ऐसी कोई भी तस्वीर लगा सकते हैं किसी जो है कोई बंदा फोत हो जाए या किसी की शादी या किसी को मुबारक देने के लिए जो भी है वो हम कट आउट करके उसके साथ लिख के भी लगा सकते हैं। चलो शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो को आज तक देखिएगा। ये तस्वीर को कट आउट करने के लिए पिक आर्ट ऐप इस्तेमाल होता है, ये आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपने उसको ओपन करना है, ये मैंने पहले से ओपन किया हुआ है। आपने प्लस के बटन पर क्लिक करके कोई भी अपनी मर्ज़ी की जो है ना तस्वीर जिसको आप कट आउट करना चाहते हैं उसे सिलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ में से ये जो तीसरे नंबर पे वीडियो तस्वीर है सॉरी इसे मैं ऐड कर लेता हूँ। ये देखिए मैंने ऐड कर लिया। ये जो हाथ है इसको मैं जो है ना कट आउट करूँगा। सबसे पहले आपने कट आउट पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर अगर पर्सन होता तो आपने पर्सन पे क्लिक करना था, इसने खुद बहुत जो है ना इसे ऐड कर लेना। पर्सन नहीं है तो आपने जो है पेंसिल के निशान पर क्लिक करके यहाँ से जो भी आपको पसंद है मतलब जहाँ जहाँ से आप करना चाहते हैं इसके ऊपर आपने ऐसे राइटिंग कर देनी है। राइटिंग करने के बाद आपने चेक कर लेना एक दफ़ा, फिर आपने जो है ना इसे ऊपर से वो ऊपर एरो वाला निशान आपको नज़र आ रहा होगा आपने जो है ना उसे क्लिक कर देना है। उसके बाद ये डाउनलोड होगा। डाउनलोड के बाद ये देखें आपके सामने आ गया। अब आप इसे इरेज भी कर सकते हो और रीस्टोर भी कर सकते हो। अब आप देखो यहाँ से आप नीचे से इरेज कर सकते हो, ऊपर से ये देखो ना पांच उंगलियाँ थी तो ये जो है बहुत कम नज़र आ रहा है। आप इसे जो है रीस्टोर कर सकते हो प्रीव्यू ऑन करके और ऑफ़ करके भी, दोनों तरीक़ों से आप इसे देख सकते हो, जैसे आपको मुनासिब लगे वैसे आप कर सकते हो। ये देखें आप इसे साइज़ भी छोटा कर सकते हो, साइज़ भी बड़ा भी कर सकते हो, छोटा भी कर सकते हो, जिस तरह आपकी मर्ज़ी हो। देखो ये साइज़ छोटा कर लें उसमें आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी, बड़ा करेंगे तो वो साथ में जो आपने रीस्टोर किया होगा वो भी जो है ना रेज हो जाएगा, इसलिए आप इसे जो है ना प्रीव्यू ऑन करके तो इसे आप फिल कर सकते हैं, रीस्टोर कर सकते हैं। तो ये रीस्टोर करने के बाद ये देखें मैंने अपना कट आउट मुकम्मल कर लिया। उसके बाद आपने इसे सेव कर लेना है। फिर आपको वो ऊपर एरो वाला निशान नज़र आ रहा है आपने उसे क्लिक कर लेना है। उसको क्लिक करने के बाद आपने सेव कर लेना है। सेव करने के बाद आपकी ये जो पिक्चर है ये गैलरी में सेव हो जाएगी। आप इस तरह कट आउट कर सकते हैं। अगर पर्सन हो तो वो उसके लिए तो बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है क्योंकि पर्सन पर क्लिक करते ही आपका जो कट आउट है वो सिलेक्ट हो जाएगा, उसको आपने जस्ट सेव कर लेना है। तो मेरी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जाकर ज़रूर बताना। अभी के लिए पीस आप।